नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बरोदिया कला में 16 करोड़ 27 लाख के नए विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नगर परिषद बनने के बाद सिर्फ 1.5 साल में यहाँ की दशा और दिशा पूरी तरह बदल चुकी है। छोटे से समय में यहाँ इतना विकास हुआ है जो 50-60 सालों में नहीं हुआ था। मंत्री सिंह ने इस अवसर पर पीएम आवास की दूसरी व तीसरी किस्त के 307 हितग्राहियों के खातों में 3.07 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से भेजी। इस कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र भी हितग्राहियों को वितरित किए गए। आज 307 लोगों के खाते में माननीय मंत्री जी ने आवास की दूसरी और तीसरी किस्त डालने जा रहे हैं। और अब देखो बरोदिया जो है, पहले कैसा बरोदिया था और अब कैसा बरोदिया है वो आप सब लोग देख रहे हैं। हमें बताने की जरूरत, बड़ोदिया की नल जल योजना भी स्वीकृत हो गई है। कितने करोड़ की? 46 करोड़ की नल जल योजना टेंडर हो गई, टेंडर भी मंजूर हो गए और 10-15 दिन में काम भी शुरू हो जाएगा। तो 24 घंटे घर घर नल की टोटी से पूरे नगर पालिका क्षेत्र में पानी घर घर नल की टोटी से आएगा, तो पानी की भी समस्या अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमारी बहनों को, माताओं को ना तो अब हैंडपंप पे पानी भरने जाना है, ना कुआ पे पानी भरने जाना है, घर पे 24 घंटे नल की टोटी से पानी आएगा, चरारी डैम से पानी आएगा। तो पानी की समस्या भी अब हमेशा के लिए बरौदिया नगर परिषद क्षेत्र की समाप्त हो जाएगी। एक यहाँ पर बैंक की बहुत समस्या थी बरौदिया के लोगों के लिए, बैंक की हमेशा कहते थे, तो बैंक की शाखा भी मंजूर हो गई है और जल्दी बैंक की शाखा भी प्रारंभ हो जाएगी। तो बैंक की भी समस्या जो बरौदिया में थी, वो बैंक की समस्या भी अब बरौदिया की समाप्त हो जाएगी। अब बरौदिया में कॉलेज भी खोलना है तो बरौदिया में कॉलेज भी जल्दी खोल देंगे। तो बरौदिया में कॉलेज काम हो जाएगा। और सिंचाई योजना तो मंजूर हो ही गई है, पाइपलाइन बिछाई गई है, तो अपने क्षेत्र में 2 जगह से सिंचाई योजना मंजूर हो गई, एक बीना नदी परियोजना और एक ओल्डन बांध। तो 2 जगह से पानी आएगा, थोड़े एरिया में बीना नदी से पानी आएगा, इस एरिया में ओल्डन बांध से पानी आएगा। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीबी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।